아, 비가 군대에서 가끔 전화를 하거든요. 아, 그래요? 너무 군대 있는 거 맞아? 할 정도로 되게. 건강이 잘 있나요? तो वैसे तो केपॉप सेंसेशन, केपॉप सुपरस्टार्स बीटीएस मिलिट्री में होने के बावजूद भी न्यूज़ और हाईलाइट में बने ही रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से बीटीएस के और कंपनी के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उस वजह से बीटीएस मेंबर भी लगातार खबरों में बने हुए हैं और अब भी हाइप की इंटरनल रिपोर्ट को लेकर नए नए खुलासे रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन इसकी वजह से बीटीएस मेंबर वी को बहुत ज़्यादा हेट, यहाँ तक कि बॉयकॉट का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों ने उन्हें बीटीएस से निकलने की धमकियाँ तक दी हैं। अगर आपको अभी ये पूरा मुद्दा समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि हाल ही में बीटीएस की कंपनी बिगेट और अडोर की सीईओ मिनीजिन के बीच एक बहुत बड़ा घमासान हुआ था, जिसके बाद बहुत सारी बीटीएस आर्मी मिनीजिन, यहां तक कि न्यू जीन्स और अडोर के खिलाफ हो गईं। और अब हाल ही में मिनीजिन यूट्यूब के चैनल पर इंटरव्यू देने आई थी, जहां उन्होंने बहुत सारे शॉकिंग खुलासे किए। इन्हीं में से एक था वो बीटीएस मेंबर वी के कितना क्लोज हैं और किस तरह वी ने उन्हें रात में बर्थडे विश किया था जब वो मिलिट्री में ट्रेनिंग पीरियड पर थे। फिर क्या था, बहुत सारे हिटर्स ने इसी बात का फायदा उठाते हुए किम तेओंग के खिलाफ नेशनल डिफेंस अकेडमी में कंप्लेन तक कर दी कि वी ने लॉस तोड़े हैं। तो वही बहुत सारी ऐसी बीटीएस आर्मी जो मिनी जिन से नफरत करती थी वो अब तेओंग के भी खिलाफ हो गई हैं कि वी को बीटीएस को छोड़ देना चाहिए और मिनी जिन के साथ ही अपना कोई ग्रुप खोलना चाहिए। लोग वी को चीटर और धोखेबाज तक बोल रहे हैं कि वो मिनी जिन के इतना क्लोज हैं और उन्होंने अपने ही बैंड मेंबर्स को धोखा दिया है, क्योंकि इससे पहले मिनी जिन के ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने बीटीएस को बर्बाद करने की, उन पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी वी उनके क्लोज हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मिनी जिन ने इंटरव्यू में बताया कि वी उनकी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उन्हें ये भी बोलते हैं कि जब भी आपको जरूरत हो आप मुझे कॉल कर सकती हो, ये दिखाता है कि वी और मिनी जिन की रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। और इसी वजह से बहुत सारे फैंस वी से नाराज हैं, या कहूँ इस अपॉर्चुनिटी का, इस मूवमेंट का फायदा उठा रहे हैं वी को बीटीएस से निकालने के लिए, उनके करियर को गिराने के लिए। अब देखना यह है वी इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, क्या सच में ऐसा हुआ भी था जो मिनी जिन बोल रही हैं या नहीं, ये टाइम बताएगा। लेकिन तब तक आप लोगों को वी को मिल रही है इस हेट को लेकर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना।